मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से संचालित की जा रही वाटर पैकेजिंग फैक्ट्री को सील किया है। फैक्ट्री के पास ना तो अपना लाइसेंस था ना BIS का सर्टिफिकेट था, जिसके बाद विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस पूरे मामले में खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन पर मूसाखेड़ी में अवैध वाटर पैकेजिंग फैक्ट्री अमाया इंटरप्राइजेस सील किया गया है। तो वही फैक्ट्री बिना लाइसेंस और बिना BIS सर्टिफिकेट के संचालित की जा रही थी, साथ ही गंदगी में वाटर पैकेजिंग किया जा रहा था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें जो है आज मूसाखेड़ी स्थित अमाया इंटरप्राइजेस पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बिना लाइसेंस और बिना BIS सर्टिफिकेट के जो है पानी, बोतल बंद पानी पैक किया जा रहा था, और उस पर ना तो बैच नंबर था, ना पैकिंग डेट था, और ना ही उस पर FSI नंबर या BIS नंबर था। तो ऐसी परिस्थिति में बिना बैच नंबर, पैकिंग डेट का और बिना लाइसेंस का केस बनता है, और जैसी रिपोर्ट होती है प्राप्त होती है लेब से। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।